दोस्तों अब हम आ चुके हैं मुमताज महल की तरफ और ये लाल किले के सीधे हाथ पर सबसे आखिरी इमारत है जो कि यह है भैया मोती मस्जिद जो कि औरंगजेब ने बनवाई थी अपने निजी उपयोग के लिए। यह है भैया रंग महल, इसका नाम रंग महल इसलिए बढ़ाना बहती थी और यमुना का पानी उठाकर यहाँ तक लाया जाता था। ठीक मेरे सामने आप वो दीवाने आम जो मेरे पीछे है, ये दीवाने आम है और इन कमरों के बीच से ही नहरें बहस्त गुजरती थी। सलीमगढ़ का किला जो कि लाल किले के उल्टी तरफ से चलते हैं जफर महल और इस महल को 1842 में बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। यह है भैया सावन मंडप जो सावन के महीने में राजा ने यहाँ पर एक बाजार का इंतजाम किया जो आज भी चलता है। ये देखें ये भैया लाल किले का जो ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज अब तो यहाँ पे नाली है लेकिन किसी वक्त यहाँ पे बताते हैं कि पानी भरा रहता था, उसमें मगरमच्छ और सांप वगैरह छोड़ दिए जाते थे ताकि अगर कोई इसको पार करके दीवार को फांद कर लाल किले के अंदर एंट्री करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकते थे। कितना एडवांस उनका हम देख सकते हैं टेक्नोलॉजी। और ये काफ़ी गहरी है, इसके अंदर अगर चले जाए तो निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और भैया सामने बिल्कुल वहाँ पर प्रधानमंत्री खड़ा होकर वहाँ पर हर 15 अगस्त को झंडा फहराता है। अब इसके अंदर चलते हैं, दिखाते हैं अंदर से लाल किला। बैग वैग जमा करना है, हेलमेट वगैरह, और यहाँ से मिलेगा हमारा टिकट। कितने रुपए? 2 रुपए। तो भैया सामने मेन गेट है लाहौरी दरवाजा और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक मंदिर है जो कि कुछ साल पहले तक नहीं था लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मंदिर बना दिया छोटा सा और मूर्ति भी रख दिया है। खैर ये तो इस देश में चलते रहेगा। हम सामने इस लाहौरी दरवाजे से अंदर जाते हैं और दिखाते हैं आपको लाल किला। दोस्तों जिस दरवाजे से अभी मैं अंदर जा रहा हूँ इसे ही लाहौरी दरवाजा कहते हैं। इस दरवाजे से जब हम अंदर जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि लाल किला अपने वजूद में कैसे था जब इसकी स्थापना हुई, क्योंकि ये जो दरवाज़ा है इसके अंदर मैं जा रहा हूँ ये बाद में बनाया गया। असल में जो आप सामने देख रहे हैं यही सबसे पहला लाल किले का एंट्री गेट हुआ करता था जिससे हम अभी अंदर आए हैं, इसको औरंगजेब ने बाद में बनवाया था। दोस्तों इसी दरवाजे से उस वक्त एंट्री हुआ करती थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह जहाँ पर हर साल प्रधानमंत्री जिन सीढ़ियों से ऊपर जाता है। ये जो सामने देख रहे हैं आप जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बैठा है वहाँ से प्रधानमंत्री ऊपर जाकर झंडा फहराता है। यह है भैया मीना बाजार, मतलब जो शाही परिवार की जितनी औरतें होती थी वो किले से बाहर ना जा पाए, किले के बाहर जाना उनके लिए खतरे से खाली नहीं था, तो राजा ने यहाँ पर एक बाजार का इंतजाम किया जो आज भी चलता है। ये देखे सारी हैंडमेड वस्तुएं यहाँ पे मिलती है सारी की सारी, ये देखिए। और ये उसी जमाने की मतलब मुगल काल के दौर की ये सब दुकानें हैं यहाँ पर और बहुत ही ज्यादा अच्छा सामान मिलता है लेकिन उससे अच्छे यहाँ पर रेट मिलते हैं। ये है पूरा मीना बाजार, इसे छत्ता बाजार ही बोलते हैं। और अब इसके बाद ना जो सामने दरवाजा है अब वहाँ म्यूजियम बना दिया है, वहाँ की हिस्ट्री भी आपको बताने वाला हूँ, चलिए इसी लग रही है इसी वीडियो में। दोस्तों जी सामने आप देख रहे हैं ये बावड़ी है और ये बावड़ी और कहीं नहीं लाल किले के अंदर ही है। दरअसल ये बावड़ी उस वक्त की है जिस वक्त यहाँ पर लाल किले से पहले सलीमगढ़ का किला हुआ करता था। सलीमगढ़ का किला बहुत ही मशहूर किला रहा है अपने ज़माने में और आज भी ये किला मौजूद है मगर बहुत ही कम लोग उसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के अपने चैनल पर डाल रखी है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। ये बावड़ी भी उसी ज़माने की है। इस बावड़ी में जो सामने आप 3 दरवाजे देख रहे हैं इसके अपोजिट में भी 3 दरवाजे और हैं और उन दरवाज़ों के पीछे कैद थे कभी आज़ाद हिंद फौज के सिपाही, सुभाष चंद्र बोस के सेना के खास आदमी उन्हीं बावड़ी में कभी कैद हुआ करते थे, जो बावड़ी आप अभी देख रहे हैं। यह है सलीमगढ़ का किला जो कि लाल किले के उल्टी तरफ से चलते हैं, उल्टी जैसे ही एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के तुरंत बाद ही जहाँ पर म्यूजियम है उसके उल्टे हाथ पर चलने से ये सलीमगढ़ का किला आपको मिल जाएगा। और ये भी बहुत ही अच्छा और रोचक इसका इतिहास है। यह सावन मंडप जो सावन के महीने में सब कुछ बातें या कुछ भी रंगमंच का काम देखते होंगे राजा महाराजा, और वो जफर महल है बीच में जो पानी के बीच में बना हुआ था, उसके पीछे है भादो, वहाँ पर भी हम चलेंगे दिखाएंगे। और सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ना ये सब अंग्रेज़ों की बनाई हुई बिल्डिंग है और अंग्रेज़ों ने ही जो उसकी सेना होती थी वही यहाँ पर रहती थी 1857 के बाद। तो ये जो आप देख रहे हैं सावन मंडप ये पूरा इसका ऊपर का स्ट्रक्चर बना है संगमरमर का और नीचे का है बलुआ पत्थर का बेस, और इस पर भी आप बहुत ही अच्छी डिजाइनिंग देख सकते हैं। ये देखें फूल वगैरह की बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन यहाँ पर देख सकते हैं। भैया जफर महल
और इस महल को 1842 में बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। आप देख रहे हैं ना ये सारा, यहाँ पर कभी पानी भरा रहता था और बीच में ये महल होता था। अब तो इसकी छत वगैरह सब टूट चुकी है और इसीलिए इसके अंदर जाना वर्जित है। देखो पानी का किस हिसाब से उन्होंने बना रखा था, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये छोटी छोटी जो है नाली ऐसी बनी हुई है, इनमें पानी रहता था किसी वक्त, जो अब नहीं है। दोस्तों वो सामने जो है ना वो भादो महल है और ये बीच में जफर महल है और वहाँ की मैंने आपको वीडियो दिखाई दी है जो सावन महल है। और ये कितना लंबा रास्ता है आप देख सकते हैं। सावन भादो दो अलग अलग महल है लेकिन बिल्कुल सेम ही है, 16 पिलरों पर खड़े हैं और दोनों पे ही दो दो छतरी बनी हुई है ऊपर। दोस्तों जो सामने है ये तहखाना है, लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि ये सिर्फ कैदियों को रखने के लिए बनाया गया है। दरअसल यहाँ पर एक खुफिया रास्ता था जो यमुना की तरफ निकलता था और शाहजहां ने 1948 में उसी रास्ते से लाल किले के अंदर एंट्री ली थी। दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूँ खास महल की तरफ। खास महल जो बहुत ही बेहद खूबसूरत महल था, इस महल के तीन भाग थे और इसमें तीन भागों का मतलब है तीन कमरे थे, जिसमें तस्बीह खाना जिसके अंदर बादशाह माला जपने का काम, माला यानी कि तस्बीह होती थी जिसको पढ़ते थे, इबादत किया करते थे। दूसरा कमरा था ख्वाबगाह शयन कक्ष, जहाँ पर वो सोते थे। ख्वाबगाह उसे इसलिए भी कहते थे कि जिसके अंदर वो सोने के बाद तरह तरह के ख्वाब देखता था। उसके दक्षिण में एक लंबा कक्ष है जिसकी दीवारें और छत चित्र से भरे पड़े थे, जो कि पश्चिम में एक जालीदार पर्दा वाला तोशखाना कहलाता था। उसमें वो अपने वस्त्र आभूषण और गहने वगैरह रखा करता था, इसलिए उसको खास महल कहा जाता था। चूंकि यह कमरा राजाओं के लिए बेहद खास था इसलिए इसके वास्तुकला पर भी विशेष ध्यान दिया गया था। वास्तुकार बताते हैं कि राजाओं के महल खासकर शाहजहां के ज़माने में बनाई गई ऐसी महलों में वेंटिलेशन और ऊंचाई सुंदरता पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया। चूंकि खास महल एक शयन कक्ष के साथ दूसरे आराम कक्ष भी थे, इसलिए ऐसे बनाया गया ताकि राजा को एक दूसरे कक्ष में जाने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। शयन कक्ष खुला हुआ था, उसके दीवारें मोटी व महाराजा के आराम के साथ साथ सौंदर्य का भी खास ध्यान रखा गया था। इन कमरों के उत्तरी छोर पर नक्काशीदार एक संगमरमर का जालीदार खिड़की भी बनाई गई थी, जिसमें चांद तारों जैसे डिजाइन बनाए गए। इसके अलावा इस महल के नीचे वाले भाग में पशु शुद्ध का आयोजन भी होता था। राजा हाथी सिंहों के बीच लड़ाई, जिन्हें बादशाह और शाही परिवार की महिलाओं द्वारा देखा जाता था। दोस्तों अब आप जो सामने देख रहे हैं उसे दीवाने खास कहते हैं। दीवाने खास बेहद खास महल था और इसीलिए इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसका वो इतिहास बताऊंगा जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों अब मैं वो आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये महल टाइप में, दरअसल ये पूरे किले को पानी का सिस्टम जो प्रदान करता था वो चीज़ है, जो हमारे पीछे यमुना बहती थी और यमुना का पानी उठाकर यहाँ तक लाया जाता था। ठीक मेरे सामने आप वो रैंप देख सकते हैं और पानी फिर वहाँ से आता हुआ जो बीच में नहरें बहिष्ठ बनी हुई है ना उसमें जाता था, और पूरे किले के अंदर, इस पूरे लाल किले के अंदर हर जगह नहरें बहिष्ठ बनी रखी है और उसी में आप देख सकते हैं कि फुहारे लगे हैं, फुहारे, और उन फुहारों में गुलाब की खुशबू होती थी और महल के बीच से वो जाती थी और पानी के साथ जब वो खुशबू मिक्स होती थी ना तो हवा के साथ जो भी झरोके आते थे उनमें खुशबू आती थी, बहुत ही बेहतरीन। लेकिन आप इस महल को देखो, जो मंडप महल है ना, ये मंडप महल, इस महल की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों तीन छह पिलर बिल्कुल सामने की तरफ है और चार पिलर हम बीच में देख सकते हैं और दो दो पिलर ये साइड में है, जहाँ पर दो छोटे छोटे रूम बने हुए हैं जो शायद यहाँ पर उस वक्त जो पानी का सिस्टम देखते थे वो लोग यहाँ पर काम करते होंगे। इन रूम के अंदर भी नहीं जा सकते, यहाँ पर बना रखे हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बिठा रखा है। लेकिन इसके अंदर में नक्काशी में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, जहाँ से पानी आता है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त नक्काशी की गई है। दोस्तों मैं आपको वो इतिहास बताने वाला हूँ लाल किले का जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। जो सामने आप इमारत देख रहे हैं वो ख्वाबगाह है और उसके साइड में आप देख सकते हैं एक गुंबद है ऊपर, और उस गुंबद के नीचे लिखा हुआ था कि यह इमारत साल 1639 में बननी शुरू हुई थी, जिसमें लगभग 50 लाख रुपए की लागत आई थी
और दोस्तों ये एक महल को बनाने में इतना सारा खर्च 1639 में हुआ था। अब आप पूरे लाल किले की सोच सकते हो कि उस वक्त कितना पैसा इसमें बनने में लगा था। ये है भैया रंग महल। इसका नाम रंग महल इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अंदर ना हर दीवारों पर तरह तरह के रंग बने हुए थे, जिसके कारण इसका नाम रंग महल रख दिया गया। दोस्तों रंग महल मूल रूप से शाही हरम के एक भाग के रूप में काम करता था। यह महल का वह हिस्सा था जिसमें शाही परिवार की महिला सदस्य आराम किया करती थी। शाहजहां के शासनकाल के दौरान इस पैलेस ऑफ डिस्ट्रक्शन इम्तियाज महल के रूप में जाना जाता था। यहाँ पर फवारे होते थे और कनीजें खड़ी रहती थी। क्या नज़ारा रहा होगा, और यहाँ पर भी पानी भरा रहता होगा जो ऊपर से आया था। लोग दीवारों को बहुत नुकसान पहुंचाते थे, जिसके कारण अब ऊपर जाना बंद कर दिया गया है। यह है भैया रंग महल, और बीच में देख रहे हैं ना बहुत ही बड़ा एक पानी का स्रोत, वहां पर बीच में पानी और फुहारा जब निकलता होगा तो क्या क्या शान होगी यार उस वक्त की। इसकी छत सिंपल है, खास महल की छत में सोना था, और जो दीवाने खास है उसके भी छत जो है सिंपल है। तो अब हम आ चुके हैं मुमताज महल की तरफ, और ये लाल किले के सीधे हाथ पर सबसे आखिरी इमारत है जो कि मुगलिया ने बनाई थी। मुमताज महल के इस पोर्शन में कुछ सालों पहले तक यहाँ पर म्यूजियम होया करता था, जो कि अब यहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह पर ले गए हैं। यहाँ पर मुमताज महल की जो हिस्ट्री है छोटी सी आप देख सकते हैं, आराम से पोज करके पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर तो हम आ सकते हैं। बाकी जितने महल, रंग महल हुआ, दीवाने खास हुआ, या फिर खास महल हुआ, वहाँ पर हम एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पर भी नहरे बहिष्ट के लिए शायद ये जगह छोड़ रखी है। ये इसके यहाँ पर आप बहुत सारे डिजाइन भी देख सकते हैं। गुम्बद ये जो बने हुए हैं ना, है आर्च में भी डिज़ाइन बना रखा है, बिना डिज़ाइन के काम नहीं किया कहीं पर भी। मतलब उन्हें इतने खास पसंद थे मुगलों को डिज़ाइन, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हर एक जगह उन्हें नक्काशी चाहिए थी। लेकिन हम वहाँ कमरों में नहीं जा सकते दोस्तों, ये बंद कर रखे हैं अभी भी, यहाँ पर तार लगा रखा है, वहाँ नहीं जा सकते। मुमताज महल के पर्सनल रूम होते होंगे कभी। उसके पर्सनल भी है, और सोने के काम, मतलब सोने के जो इस्तेमाल में होते थे कमरे, वो कमरे भी है, पर्सनल रूम भी है, हर तरह के यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसका एक पूरा पर्सनल महल होता हुआ करता था मुमताज का। यह है भैया मोती मस्जिद, जो कि औरंगजेब ने बनवाई थी अपने निजी उपयोग के लिए। मतलब जामा मस्जिद काफी दूर होती थी तो वहां ना जाना पड़े, इसीलिए चंद दूरी पर अपने महल से चंद कदमों पर ये मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, जो कि बंद है। थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ, देखिए आपको काफ़ी ऊँची ऊँचाई पर बनाई गई है, और पूरी मस्जिद संगमरमर से बनाई गई है। और मुसल्ले के इस स्थान पर आप देख सकते हैं, जो कि मुसल्ले घर पर होता है ना, वहाँ पर काला संगमरमर से निशान बना रखे हैं ताकि वहाँ पर नमाज पढ़ाई जाती है, और बीच में एक फौज भी आपको नज़र आ रहा होगा वजू करने के लिए। और दीवारों पर भी काफ़ी अच्छी नक्काशी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन इस मस्जिद को बहुत ही पहले बंद कर दिया गया था, और आज तक ये बंद है। देखिए ये इसका पीतल का दरवाजा है, जो कि बंद कर रखा है और झांकने के लिए कुछ नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूँ दीवाने आम, जो मेरे पीछे ये दीवाने आम है, और इस जगह सभा लगती थी आम लोगों की, राजा था। अब दिखाऊंगा आपको सिंहासन, वहां पर जब शाहजहां बैठता था और जो आम जन थे, आम लोग थे, उनके लिए फैसले किया करता था। तो अभी अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। दोस्तों दीवाने आम में हम अंदर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, यहाँ पर कोई हमें रोक टोक करने वाला नहीं है। लेकिन दीवाने खास में हम नहीं जा सकते, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वहाँ पर जाना थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि लाल बलुआ पत्थर से बना है, मजबूत है, और कुछ ख़राब करने के लिए यहाँ पर है भी नहीं। तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे वो सिंहासन जहाँ पर राजा बैठता था।
तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह जहाँ पर शाहजहाँ बैठकर इंसाफ किया करता था। देखो ये जो पूरा संगमरमर का बना हुआ है सामने, वहाँ पर बैठना राजा का काम था। और इसके नीचे जो आप एक नीचे देखेंगे ना, नीचे जो एक टेबल सी बनी हुई है, यहाँ पर उसके वजीर वगैरह हुआ करते थे। अगर कोई भी संदेश देना होता था तो वो वहाँ पर खड़े होकर ऊपर राजा तक पहुँचा देते थे। और उसके पीछे भी अगर आप देखेंगे तो पीछे भी बैठने की सिटिंग की एक व्यवस्था है, जहाँ पर कुछ खास ही लोग जो खास पद रखता होगा वही बैठते होंगे। और इस पूरे सिंहासन पर आप देखेंगे ना, बहुत बारीकी से काम किया गया है। संगमरमर पर इतना बारीकी से काम आपने को अगर कहीं देखने को मिलता है, वो या तो आगरा के किला और या फिर यहाँ लाल किला में देखने को ही मिलता है। कलर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, बहुत बारीक जिसे कह दें नक्काशी वो यहाँ पर की गई है। और वहाँ पर अब कोई नहीं जा सकता, उसके आसपास भी शीशे किए आप देख सकते हैं, शीशे के अंदर कवर कर दिया गया है इसको। दोस्तों अब आप देख रहे हैं नौबत खाना। इस स्मारक का इस्तेमाल मांगलिक कार्यों के समय दिन में 5 बार संगीत बजाने के लिए किया जाता था। इस इमारत में हाथी पोल भी कहा जाता था, क्योंकि यहां दर्शक अपने हाथियों से उतरा करते थे। इस इमारत के सामने वाली दीवार में लाल पत्थर लगा हुआ था। आयताकार नुमा स्मारक में तिमंजली बड़ी इमारत भी है। इस स्मारक की बनावट से ऐसा प्रतीत होता है कि लाल पत्थर की दीवारों पर नक्काशी की कई डिजाइनें को सोने से चित्रित किया गया होगा, जबकि अंदर की ओर अन्य रंगों